खबर मध्य प्रदेश के छतरपुर से आ रही है, जहां छतरपुर कलेक्टर पार्थ जायसवाल के निर्देश पर एसडीएम अखिल राठौर के नेतृत्व में खाद्य सुरक्षा विभाग ने शहर की दर्जनों दुकानों पर छापेमारी कार्रवाई किया। साथ ही दुकानों में गंदगी पाए जाने पर कार्रवाई करते हुए साफ सफाई रखने के निर्देश दिए। वहीं दूसरी ओर शहर के पन्ना नाका पर कार्रवाई करते हुए राजस्थान स्वीट के कारखाने को भारी गंदगी के बीच खाद्य सामग्री का निर्माण के कारण सील करने की कार्रवाई की गई। इस दौरान उन्होंने खाद्य सुरक्षा अधिकारी को फटकार लगाते हुए निरंतर निरीक्षण करने के निर्देश दिए। बता दें कि राजस्थान स्वीट के संचालक द्वारा शासकीय कार्य में बाधा डालने का काम किया, जिसको देखते हुए एसडीएम के निर्देश पर दुकान संचालक को हिरासत में लिया। वहीं एसडीएम अखिल राठौर ने कहा, आगे भी इस तरह की कार्रवाई जारी रहेगी और मिलावटखोरों को बख्शा नहीं जाएगा। छतरपुर से संवाददाता मुकेश भार्गव की रिपोर्ट। शहर के सभी प्रमुख प्रतिष्ठानों पर आज मिठाई की दुकानों पर कार्रवाई की जा रही है, क्योंकि त्यौहार सर पर हैं और इस समय सबसे ज़्यादा गंदगी एवं खराब सामान बेचने की संभावना रहती है। इसलिए लगातार चेकिंग की जा रही है और तत्काल निर्देश दिए जा रहे हैं, जुर्माना किया जा रहा है कि अच्छा माल बेचें, अच्छे जनता को मिले। और इसी क्रम में विभिन्न दुकानों पर छापेमार कार्रवाई की जा रही है, उन पर जुर्माना किया गया है। बीकानेर, राजस्थान, कृष्णा, दर्शन, इसी शिवहरे, इस तरह की विभिन्न दुकानों पर कार्रवाई की गई है और अलग अलग तरह के जुर्माने किए गए। मिष्ठान भंडार एक पन्ना रोड पर है, उसका कारखाना सील किया गया क्योंकि बेहद गंदगी थी और शासकीय कार्य में बाधा डाल रहे थे, इसलिए उस दुकान को सील किया गया है।